मेला स्टोरी मूवी के समर्थन में देर रात तक गोदावरी धाम बालाजी के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, युवतियां पहुंची, इस अभियान में भाग लिया। युवाओं ने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए संकल्प तक लिया। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश नायक ने कहा कि इस मूवी को राजस्थान में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अभियान के संकल्प पत्र को जल्द राज्यपाल को भेजा जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर बहन बेटियों की रक्षा के लिए संकल्प लिया। जिस प्रकार केरल की 32,000 छात्राओं को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवा के उन्हें आईएसआईएस के आतंकवादी बना के सीरिया और अफगानिस्तान में भेजा गया, इसका सत्य चित्रण हुआ है। और इसी संदेश को सभी महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कि आप हिजाब में सुरक्षित नहीं है, आप आपकी हिंदू संस्कृति में ही सुरक्षित हैं, इसी संदेश को पहुंचाने के लिए प्रत्येक युवाओं के संकल्प दिलाने के लिए कि हमारी हिंदू बहन और बेटी की रक्षा करें, इसी संकल्प के साथ हमने हस्ताक्षर अभियान किया है। देखिए, राजसमंद की विधायक दीप्ति महेश्वरी की पहल पर 250 से ज्यादा लड़कियों को केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। करीब 4 बस और दूसरे छोटे वाहनों में फिल्म देखने के लिए पहुंची लड़कियों ने विधायक के इस कदम की सराहना की। फिल्म देखने आई लड़कियों ने कहा कि जिस तरह से एक कट्टरपंथी सोच द्वारा जिस तरह हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर लव जिहाद किया गया, धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें धकेला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए बेहद घातक है। तो राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पहल पर 250 से ज्यादा लड़कियों को द केरला स्टोरी जो लगातार विवादों में बनी हुई है उस फिल्म को दिखाया गया। 400 बसों में भर के ये लड़कियां पहुंची थी और लड़कियों ने जाहिर तौर पर विधायक के इस कदम की न सिर्फ सराहना की और उनका कहना था कि जिस तरह से मूवी में जो दिखाया गया है वो आज के समाज की सच्चाई है और इसीलिए लड़कियों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। देश में इस वक्त एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, द केरला स्टोरी, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की करीब 250 बालिकाओं को लेकर आज फिल्म दिखाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी मौजूद है। मैम, ये फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, क्या मोटिव है फिल्म दिखाने का? मोटिव तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है केरला स्टोरी एक सच्चाई पे बेस्ड मूवी है और कहीं ना कहीं बच्चियों को ज़रूर देखनी चाहिए। यंग बच्चियां देखेंगी तो समझेंगी। कितनी बार क्या होता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज हमारे पास होती है, आसपास सुनते हैं, लेकिन जब हम आँखों देखी देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। केरला स्टोरी लव जिहाद जो मुद्दा है जिसके ऊपर वो बनी हुई है, मुझे लगता है एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत ज़रूरत है कि आज के बच्चे जाने समझे कि वो क्या पॉइंट है और किस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ हो रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर बनी फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि ये जागरूकता की कमी है। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या सोच है आपकी फिल्म देख? मुसलमान लड़के होते हैं ना, वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान प्यार में फंसा कर ऐसे उनको बाहर देश में भेज देते हैं उनको मुसलमान। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।